आखिर मुकेश अंबानी की ड्राइवर की सैलरी कितनी होती होगी? मुकेश अंबानी जो कि इंडिया की नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान है, जिनके सिक्योरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। आपको बता दें कि जेड प्लस सिक्योरिटी इंडिया में काफी ज्यादा कम लोगों को ही मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर और कोई सिक्योरिटी नहीं होती हमारे इंडिया में। तो आपने ऐसे में क्या सोचा है मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी होती होगी? क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी वाले इंसान के पास कोई ऐरा गहरा रोड छाप तो ड्राइवर होगा नहीं। अगर बात किया जाए इनके कार ड्राइवर की सैलरी की, वह 2 लाख से भी अधिक होती है, तथा साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। एरोप्लेन जो कि पूरे दुनिया में समुद्र हो, रेगिस्तान हो, चाहे क्यों न ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, वह किसी भी जगह के ऊपर से उड़ान भर के आपके आपको स्टेशन तक पहुंचा सकता है बिना किसी रोक टोक। लेकिन दुनिया के एकमात्र ऐसे फुटबॉलर लियानो मेसी है जिनके घर के ऊपर से एरोप्लेन नहीं उठ सकता है। अब आपको लगता होगा कि मेसी नाम ही काफी है, और हाल ही में इन्होंने अपने देश अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप भी जिताया। तो सरकार ने इनके डिस्टर्ब न हो जाने के कारण शायद इनके घर के ऊपर से एरोप्लेन का उड़ना बैन कर दिया होगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। यह चालाकी दिखाते हुए अपने घर को ऐसे स्थान पर लिए हैं जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा नो फ्लाइंग जोन है, जिस कारण इनके छत पर एरोप्लेन नहीं उड़ता है। वैसे आपका सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन है, लियानो मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो?